आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, किसी मीनार के पाप से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के एग्जाम में यूपी बोर्ड 2010 में पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार चित्र बना लेते हैं, ठीक है। किसी मीनार के पाद से, ये मीनार है ठीक, और ये इसका पाद है, पाद बिंदु बी है और शिखर बिंदु ए है ठीक। पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कहाँ है, ए पॉइंट पर ठीक, शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है, 40 मीटर है, इसको ओ बना देते हैं ठीक। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो है थीटा ठीक, कोण ज्ञात करना है थीटा का मान, और इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है ठीक। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच ठीक। सबसे पहले हम थीटा ज्ञात कर लेते हैं। ये बताओ कि यहां पर थीटा है और ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण ठीक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है ये बताओ, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब हो गया ओ बी और कर्ण का मतलब क्या हो गया ओ ए। तो कॉस थीटा बराबर ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान 20 है और ओ ए का मान क्या है 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री ठीक। तो हमारे पास शिखर का जो उन्नयन कोण आया है वो कितना आया है 60 डिग्री, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री ठीक। फिर इसके बाद इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, एच का मान निकालना है, लंब पड़ता है, तो हम ले लेते हैं टैन थीटा से, टैन थीटा से हम ज्ञात कर पाएंगे ए बी क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार ना, तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया ओ बी ठीक। तो थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का मान कितना है एच है और ओ बी का मान कितना है 20 है, और टैन 60 डिग्री का मान क्या है यहाँ पर √3 बराबर एच अपान 20, एच बराबर क्या होगा 20 √3, एच का मान आ गया 20 √3। अब यहां पर आप लिख सकते हैं अतः बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक। और मीनार की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर, मीटर में है ना सब दिया, तो मीटर लिख देते, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऐड करिएगा।